मैडम, आपका हार गिर गया। मेरा हार? ये तो सोने का हार है। मैडम, ये हार आपका ही है ना? हाँ हाँ, ये हार मेरा ही है, गिर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और तुझे आसपास कोई नजर आ रहा है? नहीं ना, मैं ही गई थी ना अभी यहाँ से, तूने भी देखा था, तो ये हार मेरा ही है। और तू ना अपना काम कर, ज्यादा पंचायत मत कर, ये हार मेरा ही है। ठीक है मैडम। अरे यार, आज तो सोने का हार मिल गया, बस नौकरी और मिल जाए, आज तो मजा ही आ जाएगा। साहब, आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? इतने सारे पैसे? साहब, ये पैसे पक्का आपके ही है ना? हाँ हाँ मेरे ही है, मेरे नहीं होंगे तो किसके होंगे? और आसपास कोई दिख रहा है क्या? तो जाहिर सी बात है, ये पैसे मेरे ही होंगे। और तुम जैसे लंगड़े लूले धोखोड़े के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने पैसे हो नहीं सकते, इसलिए चुपचाप अपना काम कर और ज्यादा बकवास मत कर। ठीक है साहब। वह यार, आज तो कुबेर देवता मुझ पे ही मेहरबान है, इतने सारे पैसे मिल गए और ये मैनेजर की जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी, आज तो मजे ही मजे। साहब, आपका पर्स गिर गया। अरे नहीं, ये मेरा पर्स नहीं है। अरे आपका ही होगा, और किसका होगा? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा पर्स नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं पर्स, किसी और का गिर गया होगा। आप ये रख लीजिए, वो आएगा उसे दे देना। अच्छा, आपका नहीं है, लाओ दो। भैया सच में ये मेरा पर्स नहीं है। हाँ हाँ भैया लो। क्या बात है भैया, तुम इतने ईमानदार हो, पैसों से भरा पर्स तुम्हें मिला और तुमने वापस कर दिया। अरे आजकल के ज़माने में ऐसे लोग मिलते ही कहाँ हैं। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, जब ये मेरा पर्स है ही नहीं तो मैं इसे क्यों लूँ? और जिसका ये पर्स है वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। आप ऐसा करना, वो इसे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा, आप उसे दे देना ये पर्स। ठीक है भैया, आप जाओ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपको नौकरी मिल जाए। जी भैया। क्या करने आया है? देखने में तो भिखारी सा लग रहा है। सही कह रही है, लग तो भिखारी रहा है। हाँ, लग तो भिखारी ही रहा है। अबे ओए, तू यहाँ पर क्या करने आया है? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। क्या सीरियसली इंटरव्यू देने? वो भी तू? तुझे दिख नहीं रहा, हम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, तब आए इंटरव्यू देने, और तू ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया। तेरे को देख के साफ पता लग रहा है तूने ग्रेजुएशन के अलावा ना कुछ भी नहीं किया होगा। देख, इससे पहले बॉस आ जाए और तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाले, इससे पहले तू यहाँ से निकल जा, समझा? मैडम आप कौन होती है मुझे यहाँ से भेजने वाली? आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू देकर ही जाऊंगा। तेरी तो सुनिए, आप तीनों को सर ने ऑफिस में बुलाया है। तीनों को? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ना अंदर जाके रिजेक्ट ही होगा। जा दे ले इंटरव्यू। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं काफी टाइम से इस कंपनी में इंटरव्यू देने की सोच रही थी। आप ये बताइए, हमारे यहाँ नौकरी क्यों करना चाहती हो? सर मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ और मैं बहुत ज्यादा क्विक लर्नर भी हूँ। सर मैं नया काम सेकंड्स में सीख लेती हूँ और आपके साथ काम करके मेरा नाम भी होगा और मेरा फायदा भी, तो बस मैं इसीलिए यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। अच्छा, और आप में ऐसा क्या है कि हम आपको नौकरी दें? सर मैं ना बहुत मेहनती हूँ और मैं कोई भी काम पूरी मेहनत और शिद्दत से करता हूँ। वेरी गुड। और आप? सर मैं इन लोगों की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ,
लेकिन मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। सर आप मुझे जो भी काम दोगे ना, जो भी जिम्मेदारी दोगे, मैं उसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और आप देखना सर, मेरी वजह से आपकी कंपनी को बहुत फायदा होगा। और सर मैं ना बहुत गरीब घर से हूँ, इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। वेरी गुड। हाँ तो आप क्या बोल रही थी कि आप बहुत ईमानदार हो? जी सर। हाँ देखी मैंने तुम्हारी ईमानदारी, कैसे तुम उस हार को उठा कर ले गई थी। ये क्या बोल रहे हो सर आप, कौन से हार की बात कर रहे हो? मैंने कोई हार नहीं देखा, मैं नहीं जानती। बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने हार फेंका और आपसे पूछा आपका है, तो आपने बेझिझक होकर बोल दिया कि वो हार आपका है। क्या बात है, आप तो बहुत ईमानदार निकली। और आप बोल रहे थे कि आप बहुत मेहनती हो, उस सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे फेंके और तुमने झट से उठा लिए और उससे बोल दिया कि वो पैसे तुम्हारे हैं। मतलब सर? अरे रुको, समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और राहुल आप बहुत मेहनती भी हो और ईमानदार भी, इसीलिए नौकरी आपको मिलती है। थैंक यू सो मच सर। क्या सर, अब इसे कैसे नौकरी दे सकते हो? अभी तो आपने इंटरव्यू लिया भी नहीं है। आपको पता है मैंने इस इंटरव्यू के लिए कितनी मेहनत की थी? एक सेकंड, आप दोनों का इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका है। वो हार, वो पैसे, वो पर्स, वो सब मेरा ही प्लान था, तुम तीनों का लॉयल्टी टेस्ट लेने का। उसी लॉयल्टी टेस्ट लेने की वजह से मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी बड़ी बेईमान हो। और आप जैसे लालची लोगों की जरूरत नहीं है हमें, इसीलिए आप भी जा सकते हो, क्योंकि तुम दोनों तो पैसों के लालच में कभी भी इस कंपनी को धोखा दे सकते हो। इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों को कंपनी में हायर क्यों करूं? लेकिन सर इसमें ऐसा है क्या जो ये इतनी बड़ी कंपनी में काम करेगा? अब तुम दोनों बताओ, मैं तुम जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन बेईमान लोगों को नौकरी दूं, या कम पढ़े लिखे लेकिन ईमानदार को नौकरी दूं? क्योंकि काम तो हमारी कंपनी सिखा देगी, लेकिन हमें जरूरत है मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की, जो तुम दोनों बिल्कुल नहीं हो। तो आप दोनों अभी के अभी जा सकते हो। और हाँ, आप दोनों के पास जो हार और पैसे, वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा कर जाना। आप दोनों के बाप का सामान नहीं है वो, जो रख लिया तुमने। अब जाओ यहाँ से। ओके सर। राहुल प्लीज सिट, हम सैलरी की बात कर लेते हैं।